दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने पिछले वीक क्या बताया था और आने वाले वीक में क्या हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है जो YouTube के भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को। इसका मतलब ये है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये आपको केवल और केवल एक रेफरेंस के लिए दिया जाता है। जिसको भी पोजीशन बनानी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकता है। देखो ये हमारे पिछले वीक का है, ये लगातार 3 दिन डाउन बताया था यहाँ पे मार्केट, और तीनों दिन डाउन रहा है 17, 18, 19। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये मेंबर ओनली वीडियो में बताया गया था शनिवार को, जो कि आज भी वीडियो अभी पड़ जाएगा थोड़ी देर में। ये जो वीडियो है ये मेंबर ओनली में डाला गया था, जहां के कोई नहीं बोल रहा था, सब बोल रहे थे बजट रैली है ऊपर जाएगा। ये लगातार तीनों दिन, अगर जिसने पोजीशन रखी होगी उसको कुछ न कुछ मिला होगा। मार्केट 20 और 21 को भी डाउन रहा है, ठीक है, लेकिन हम जो निकाल रहे थे, मैं आपको यहाँ पे बृहस्पतिवार को भी बताया था कि भाई बृहस्पतिवार को अक्सर मार्केट उल्टा चलता है हमारे, क्योंकि मेरा एक्चुअल दिल नहीं है कि बनाया जाए, लेकिन बनाते हैं। तो ये जो है ये सही नहीं हुआ, ठीक है। अब 24 जनवरी को क्या हो सकता है, मार्केट दोनों साइड रहेगा। मैंने फ्राइडे को भी मार्केट क्लोज होने से पहले जो बताया था वही अभी बता रहा हूं। इसमें 11 बजे का टाइम आप लोग ध्यान रखना, यहां तक मार्केट आपका डाउन है, यहां से फिर अगर रिकवरी मिलती है 11 और 11:15 से तो रिकवरी के साथ हो जाना। अभी जो हमारा ग्रह संयोग बन रहा है इसमें 2-3 ग्रह अस्त चल रहे हैं। देखो आपका बुध अस्त है जो 4 फरवरी को जाके उदय होगा, शनिदेव अस्त है जो मेन तेजी करवा रहे थे मार्केट में, जो हम ईयरली देखते हैं पिछली साल भी हुई है, वो कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि शनिदेव पे थी, नौमी दृष्टि, ठीक है। और शनिदेव अपने घर में थे, बैक में बृहस्पति नीच का चल रहा था एक साल तक, वहां पे वो दवा के तेजी हुई, बृहस्पति ने शिफ्ट कर दिया। अगर हम लंबी दूरी की बात करें, अभी थोड़े दिन में फिर बृहस्पति अस्त हो जाएगा, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। अभी अभी क्या हो सकता है सोमवार से, आपने एक चीज पे ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो आपका निफ्टी है ना, निफ्टी में कहीं रुकावट आएगी गिरावट में। जिस स्पीड में ये 4-5 दिन गिरा है, वो चाहे आपका बैंक निफ्टी बेशक गिरे नीचे, मेरी बात पे ध्यान देना, बैंक निफ्टी बेशक गिरे, निफ्टी उतना स्पीड से अभी नहीं गिरेगा। अब जो तेजी करने वाले हैं, जब तक 17,720 नहीं टूटता ऊपर की तरफ पोजीशन मत बनाओ। फिर सुनो एक बार, 17,720 ऊपर की तरफ नहीं टूटता मार्केट पे, इससे ऊपर नहीं सस्टेन करता, उसके बाद ही तेजी की पोजीशन बनाना, थोड़ा सा यहां पे इंतजार कर लो। अब ये चीज आपको सोमवार को पता लगेगी। तो मैंने एक आपको निफ्टी का क्या बताया कि जो हम सोच रहे हैं ना, उतनी स्पीड में अभी इसमें गिरावट नहीं आएगी, ठीक है। मार्केट डाउन रह सकता है थोड़ा सा, 2-3 फरवरी तक तंग करेगा मार्केट। तो एक बजट भी है 1 तारीख का, उसका मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना के आपको डाल दूंगा कि उस दिन क्या होगा, 1-2 दिन पहले दे देंगे उसका आप लोगों को, ठीक है। तो ये इतनी सी बात थी, ये इसमें पहले भी लिखा हुआ है, कोर्स का था ये, तो हमारा शुरू हो गया, अभी चल रहा है। हाँ, एस्ट्रो स्टॉक, तो मैं बोलता हूँ भाई जिसको इसमें फायदा नहीं होता वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं, यहाँ पे थोड़ा मेरे हिसाब से अभी रुकना चाहिए। जिनके शेयर पड़े हुए हैं मेरे में भी थे, तो मैंने वहां पे जो हमारे शेयर डबल हो गए, भाई बुक कर लो यहाँ पे, इतने परसेंट निकाल लो, वो मैं प्रॉफिट बुक करा है।
पूरा पैसा जिसके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया के लिए मैंने नहीं बोला कि लगा दो, आप कुछ अभी इंतजार करो, थोड़ा करेक्शन है मार्केट में ये पीरियड में, इसके बाद हम लगाएंगे पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दुनिया बोला कि भाई अभी क्या करें, मार्केट से भाग जाएं। अब देखो ये जो पीरियड था इसमें मार्केट ने काफी करेक्शन दे दिया, तो जहां अभी सोमवार है ना, सोमवार आपको डिसाइड कर देगा कि अब मार्केट किधर जाएगा, ठीक है। ये एक आपकी बात हो गई। तो आपने क्या है, ऊपर के लिए ये लेवल ध्यान रखना है, नीचे के लिए 500, 17,500, इसके नीचे शॉर्ट करोगे तो ये 300, 300 के बाद 150, बात समझ गए। इसके बीच में कहीं रेंज नहीं बनती है आपकी कि आप ट्रेडिंग करो, बस इतनी सी बात थी। तो मार्केट में थोड़ा सा रहेगा अभी और दबाव आगे भी, ये नहीं कि मार्केट एकदम ऊपर आ जाएगा, यहां से ऊपर चला जाएगा तो ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।